हसान कस्बे में श्री राम युवा क्लब के सौजन्य से की जा रही रामलीला कार्यक्रम में शनिवार को असत्य पर सत्य की जीत होने वाले रावण दहन कार्यक्रम का अंडोली रोड पर मेला लगाया गया, जहां सैकड़ों की तादाद में मेले में आए लोगों द्वारा चाट पकौड़ी मिठान जलेबी के साथ मेले का भरपूर आनंद लिया। इस मौके पर सिंगारे और गणनाओं की भी खूब बिक्री हुई, जिसे मेले में उपस्थित लोगों ने भरपूर लुत्फ उठाया। इस मौके पर श्री राम जी का भव्य डोल दाऊजी मंदिर से श्री हनुमान और वानर सेना के साथ अंडोली रोड पर लगे मेले में जाकर रामायण की चौपाइयों के साथ राम रावण युद्ध का मंचन किया गया। इस मौके पर काली शोभा यात्रा भी मेले में पहुंचकर अपने कर्तव्य दिखाए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुमन किशोर सिंह को आमंत्रित किया गया और उनके द्वारा भी रावण के पुतले पर बाण चलाकर और फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर उनको रामलीला कमेटी के सदस्य द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। भारी भीड़ को देखकर रसायन कोतवाली प्रभारी सुनील वर्मा द्वारा भारी फोर्स के साथ सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई। 7 बजे रावण के पुतले में राम के बाणों द्वारा अग्नि बाण छोड़कर रावण पुतला दहन किया गया। इस मौके पर रामलीला कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहे। हसायन से सूरी सविता की रिपोर्ट। आपके द्वारा आज रावण मेला का आयोजन क्या है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आज मेला का आयोजन बहुत बढ़िया तरीके से हुआ और बहुत भीड़ इकट्ठी हुई और रावण पुतला दहन हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत भीड़ हुई है।